आज YouTube पर आप लोग गेमिंग वीडियोस देख देख कर बोर से होते जा रहे हो और चाहते हो कि आप भी उन गेम्स को एंजॉय कर सको जिन्हें कि आप अपने फेवरेट गेमर्स को खेलता देखते हो। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आपको ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जिसमें आप आराम से गेम खेल लोगे अच्छी परफॉर्मेंस के साथ और साथ में गेमिंग वीडियोस और स्ट्रीमिंग वगैरह भी करोगे। और ये गेमिंग लैपटॉप आपको 70,000 के बजट में मिलेगा। अब 70,000 के बजट के लिए लैपटॉप्स का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो समझ लेते हैं। मिनिमम इंटेल i7 होना ही चाहिए लेटेस्ट की 11, 12, 13 या 14 जनरेशन के साथ, या फिर AMD का Ryzen 7 भी चलेगा बट लेटेस्ट जनरेशन होना चाहिए। RAM कम से कम 16GB मिलनी ही चाहिए। ग्राफिक कार्ड में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे आ सकते हैं कि अगर RTX 2050 मिल रहा है तो भी अच्छा है, RTX 3050 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अगर 2050 मिल रहा है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। और अगर आपको 4050 मिल जाता है तो मजे ही मजे। स्टोरेज में कम से कम 512GB SSD होनी ही चाहिए, 1TB है बहुत अच्छी बात है बट अपग्रेडेबल होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है डिस्प्ले का, तो फुल HD IPS पैनल हो और साथ में 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलना ही चाहिए क्योंकि FPS ज्यादा चाहिए गेम में। ओके, तो ये है क्राइटेरिया जो अभी तक ऑलमोस्ट कई वीडियोस में सेम रहा है। अब आ जाओ देखते हैं कौन कौन से लैपटॉप्स बेस्ट हैं अंडर 70,000 के बजट में। सो आवर फर्स्ट लैपटॉप इज MSI Thin 15। इस लैपटॉप की बात करूं तो इसमें आपको इंटेल का i7 प्रोसेसर मिल रहा है 13620H, जो कि एक 10 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 6 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 4 एफिशिएंट कोर्स, और क्लॉक स्पीड आपको अप टू 4.9 GHz की मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड मिल रहा है इसमें आपको NVIDIA का RTX 2050 6GB VRAM के साथ, GDDR6 नहीं 4GB VRAM के साथ है। 8-8GB की दो RAM मिल रही है, यानी 16GB RAM है, तो ड्यूअल चैनल के मजे आ जाएंगे। अब इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप लोग इस लैपटॉप पर आराम से कोई भी हैवी गेम्स जैसे GTA 5, Minecraft आराम से लाइक 70 से 80 FPS तक खेल लोगे। अगर आप लोग का बजट आपको 70,000 ही अलाउ कर रहा है तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है ना, तो आप लोग स्ट्रीमिंग वगैरह या रिकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हो, गेमिंग वीडियोस बनानी है, एडिटिंग करनी होगी, तो ये सब काम इसमें आराम से कर लोगे। अब स्टोरेज की बात करें तो 512GB की SSD मिल रही है, यहाँ पर आपको NVMe M.2 PCIe Gen 4, 40 सेंटीमीटर की फुल HD डिस्प्ले भी है IPS पैनल के साथ, और 45% का NTSC कलर गैमेट है। बैटरी आपको 3 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल रही है जो बैकअप दे देगी अराउंड 4-5 आवर्स तक का। वेट इस लैपटॉप का 1.86 kg है जो काफी लाइट है, बट फिगर करने की जरूरत नहीं है, MSI का लैपटॉप है तो कुछ इश्यूज वगैरह नहीं आएंगे। अब करें पोर्ट्स की बात, तो स्क्रीन पर दे दिया मैंने कि क्या क्या पोर्ट्स मिल रहे हैं आपको। प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप Amazon पर अराउंड 73,000 रुपीस का मिलेगा, लेकिन बैंक ऑफर्स के थ्रू आप इसे अंडर 70,000 ला सकते हो। अगला लैपटॉप है Asus Tough Gaming F15। अब ये बात काफी लोगों को पता होगी कि Asus की जो गेमिंग के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज है वो यही है टफ गेमिंग, जिसमें कि आप आराम से एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना तो छोड़ो, बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस। प्रोसेसर की बात करें तो आपको इंटेल का i7 प्रोसेसर मिल रहा है 11800H, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक 2.3 GHz एंड बूस्ट 4.6 GHz की मिलती है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें मिल रहा है NVIDIA का RTX 3050 Ti 4GB VRAM के साथ, GDDR6 RAM मिल रही है 16GB DDR4 3200 MHz के साथ, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 32GB तक। अब इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पिछले लैपटॉप में प्रोसेसर बहुत अच्छा था बट ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया था, यहाँ पर प्रोसेसर ओके ठीक है मतलब, लेकिन ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा मिल गया है 3050 Ti। और इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेना तो आपको इसमें सारी ही गेम्स हाई सेटिंग्स पर अराउंड 70-80 FPS हंस के निकाल के दे देंगे, कुछ गेम्स तो 90 और 100 FPS भी दे देंगी। स्टोरेज की बात करूं तो 512GB की SSD मिल रही है। डिस्प्ले 15.6 इंचेस की फुल HD IPS पैनल के साथ 144Hz का रिफ्रेश रेट है, जो कि एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, और साथ में आपको एडेप्टिव सिंक भी मिलता है। बैटरी आपको 90 Wh की मिल रही है, जो कि 180W के फास्ट चार्जिंग के साथ आ रही है, तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी एंड आपको बैकअप दे देगी अराउंड 3-4 आवर्स तक का। वेट इस लैपटॉप का 2.3 kg है, जो कि क्वाइट हैवी है बट ठीक है, गेमिंग लैपटॉप्स हैवी ही होते हैं। पोर्ट्स अगेन मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। प्राइस की बात करें इस लैपटॉप की तो अराउंड 72,000 रुपीस का मिलेगा Amazon पर, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर पसंद आ रहा हो तो जाकर इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। इसी के साथ अगले लैपटॉप की बात करें तो है MSI Katana 15। इसमें आपको इंटेल का i7 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है 12650H, जो कि एक 10 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 6 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 4 एफिशिएंट कोर्स। क्लॉक स्पीड मिल रही है आपको अप टू 4.7 GHz। ग्राफिक्स की बात करें तो मिलता है NVIDIA का RTX 3050 6GB VRAM के साथ, GDDR6 RAM में 8-8GB की दो RAM मिल रही है, टोटल 16GB हो गई, और DDR5 है, तो अगेन परफॉर्मेंस में काफी अच्छा स्मूथनेस और स्पाइक देखने को मिलेगा। प्रोसेसर इंटेल का i7 है 12th जनरेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप सारी ही हैवी गेम्स 80-100 FPS आराम से खेलोगे, वो भी हाई सेटिंग्स पर, इवन कुछ गेम्स तो आप 120 FPS पर भी खेल लोगे। स्टोरेज में अगेन आपको 512GB SSD मिल
रही है PCI Gen 4 जो कि ठीक ही है। 40 सेंटीमीटर की फुल HD IPS पैनल की डिस्प्ले मिल रही है 45% NTSC रेट के साथ। 3 सेल बैटरी मिल रही है जो आपको बैकअप दे देगी अराउंड 4 टू 5 आवर्स तक का। वेट इस लैपटॉप का 2.25 kgs है जो कि क्वाइट हैवी है। पोर्ट्स की लिस्ट स्क्रीन पर मौजूद है और प्राइस की बात करूं तो ये लैपटॉप आपको Amazon पर अराउंड 74-75,000 का मिलेगा, जिसको कि आप बैंक ऑफर्स के थ्रू अंडर 70,000 भी ला सकते हो और परचेज कर सकते हो। लिंक इस लैपटॉप का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर पसंद आया हो तो ले लेना। अब यहां से जो मैं अगले दो लैपटॉप्स बताऊंगा वो डेफिनेटली आप में से ज्यादातर लोगों को पसंद आएंगे और काफी लोग उन्हें परचेज भी करेंगे। तो अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3। इस लैपटॉप में आपको AMD का प्रोसेसर मिल रहा है, AMD Ryzen 7 6800H, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक 3.2 GHz एंड बूस्ट 4.7 GHz मिलती है। ग्राफिक कार्ड मिल रहा है इसमें NVIDIA का RTX 3050 6GB VRAM के साथ GDDR6, RAM मिल रही है 16GB DDR4। और इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप लोग इसमें आराम से कोई भी अच्छी से अच्छी गेम्स हाई सेटिंग्स पर 80, 90, 100 FPS निकाल लोगे, क्योंकि AMD का प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। प्लस साथ में 3050 का ग्राफिक कार्ड भी है और RAM भी 16GB है, तो अगेन आपको इस लैपटॉप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप गेमिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, चाहे गेमिंग वीडियोस बनाओ, सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। स्टोरेज में 512GB SSD है, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS पैनल की डिस्प्ले मिल रही है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि 144 हर्ट्ज से कम है बट बुरा नहीं है, क्योंकि आपको जो ओवरऑल स्पेक्स देखे गए हैं वो 100, 90 या 110 FPS ही निकाल कर देंगे। सो 120 FPS बुरा नहीं है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिल रही है जो बैकअप दे देगी अराउंड 3 टू 4 आवर्स तक का। वेट इस लैपटॉप का 2.32 kgs है, जो कि ठीक है, थोड़ा हैवी है। और पोर्ट्स की लिस्ट तो स्क्रीन पर मैं दे ही दूंगा, लेकिन प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप आपको Amazon पर अराउंड 67,000-68,000 रुपीस का मिलता है, जो कि इस बजट सेगमेंट में बहुत ही सही लैपटॉप है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर पसंद आ रहा हो तो बाय कर लेना। इसी के साथ में हमारा आखिरी लैपटॉप है जो कि सब लोगों को पसंद आएगा, आई नो, दैट इज Gigabyte G5। ये लैपटॉप इंटेल i7 के 12th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ आ रहा है, 12650H, जो कि अगेन एक 10 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 6 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंट कोर्स, क्लॉक स्पीड अप टू 4.7 GHz मिलती है। ग्राफिक कार्ड मिल रहा है NVIDIA का RTX 4050 6GB VRAM के साथ GDDR6, RAM मिल रही है 16GB DDR4 जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 64GB तक। ओके, स्टोरेज में 512GB SSD है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है फुल HD IPS पैनल के साथ, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। बैटरी में 3 सेल बैटरी मिल रही है जो बैकअप दे देगी अराउंड 4 टू 5 आवर्स तक का। वेट इस लैपटॉप का 2 kgs का है, 2.08 kg, जो कि बहुत बढ़िया वेट है। पोर्ट्स की लिस्ट स्क्रीन पर दे दूंगा मैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये लैपटॉप आपको एग्जैक्टली 70,000 रुपीस का मिलेगा Amazon पर, अगर पसंद आ रहा हो तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को बताने थे मुझे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 70,000 के बजट में, वो मैंने आपको बता दिया। और एक बात, अगर आप लोग 80,000 के बजट में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो जाकर इस वाली वीडियो को देख सकते हो, या अगर आप लोग 60,000 के बजट में देख रहे हो तो जाकर इस वाली वीडियो को देख सकते हो। बाकी चलो यही था कुछ आज का वीडियो, मिलेंगे आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।